हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ हमारे कॉलेज से गई थी 2 दिन के ट्रिप, जिसमें कि हमारे कुछ क्लास फेलोज़ थे, कुछ हमारे जूनियर्स भी साथ थे और हमारे साथ कुछ टीचर्स भी थे। हमारी ट्रिप गई थी उत्तराखंड, जहाँ हमने बहुत मज़े करे, बहुत इन्जॉय करा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। साढ़े 10 बजे के आसपास हम कॉलेज से अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अप्रॉक्स 3 घंटे चलने के बाद हमें मिलता है ये शिवा ढाबा, जहाँ पे हम स्टे करते हैं थोड़ी देर के लिए और फ्रेश वगैरह होते हैं। फाइनली 5:30 बजे हम पहुँच जाते हैं अपने होटल रामनगर। जल्दी से वहाँ चेक इन करके हम सीधा पहुँचते हैं अपने रूम। रूम पहुँच कर अप्रॉक्स 6 बज चुके होते हैं और मैं अपने रूम से एक ब्यूटीफुल सा सनराइज़ का व्यू इन्जॉय करता हूँ। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम सुबह सुबह हो जाते हैं रेडी, लगभग 10 बजे के आसपास। नीचे आने के बाद रिजॉर्ट के लॉन में हमें मिलता है ऑलरेडी सर्व्ड ब्रेकफास्ट, बढ़िया सा एकदम। भूख भी बहुत तगड़ी लगी होती है, जल्दी जल्दी से हम खाते हैं। ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद हमारी सफारीज रेडी हो जाती हैं, क्योंकि आज का दिन हमारा सफारी का था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। खौफनाक जंगल, ख़तरनाक रास्ते और बेहतरीन और ख़ूबसूरत व्यू इन्जॉय करते हुए, ओपन जीप के मज़े लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने मेन एंट्री पॉइंट, लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल के बाद, जहां से हमारी शुरू होने वाली है मेन सफारी जिम कॉर्बेट की। यहीं पे हमें एक गाइड भी प्रोवाइड होती हैं, जो कि हमें पूरे नेशनल पार्क का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती हैं सारी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से हमें एनिमल्स यहाँ मिल सकते हैं, कौन कौन से हमें एनिमल्स दिख सकते हैं। एंट्री करने के थोड़ी देर बाद ही हमें डियर का ग्रुप दिखाई दिया, एक जो कि बहुत काफ़ी दूर था हमसे, आई थिंक कैमरे में शायद विजिबल भी ना हो। थोड़ा और चलने के बाद हमें दिखाई दिया एक पॉन्ड, जो कि नेचुरल है। गाइड ने हमें बताया कि ये नेचुरली क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह पानी पीने आते हैं, तो शायद हमें एलिफेंट्स यहाँ देखने को मिले, लेकिन नहीं मिला। इस स्पॉट पर रुके रहे हम, काफ़ी देर वेट किया हमने कि शायद यहाँ से टाइगर क्रॉस वगैरह करते हुए दिख जाए, लेकिन टाइगर तो नहीं दिखा। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें फिर से दिखाई दी डियर, एक और डियर का ग्रुप, जो कि वहाँ पर आई थिंक कुछ खा रहे थे, काफ़ी दूर थे वो भी हमसे। आगे चल के एक जगह और रुके, जहाँ हमें फिर से डियर दिखाई दिया। आगे चलकर एक नेचुरल पॉन्ड और दिखाई दिया, बहुत ही बढ़िया था वो भी। और इसमें हमें दिखाई दी रेस्ट करती हुई कंप्लीट टर्टल फैमिली, 6 टर्टल्स बैठे हुए थे इसमें बाहर। 15 किलोमीटर सफारी के बाद हमें कोई टाइगर दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद हमें एक मिली कैंटीन, जहाँ पे हमने बैठ के कुछ खाया पिया, रेस्ट किया, फ्रेश हुए। एग्जिट करते हुए हमें एक खूबसूरत सा मुर्गा दिखाई दिया। आगे चलने के बाद हमें ये लिजार्ड दिखाई दी। टाइगर तो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन लास्ट में हमें डियर दिखाई दी, हमारे क्लोज, बहुत बहुत क्लोज थी वो। एट लास्ट एग्जिट से पहले हमें एक ग्रुप और दिखाई दिया, जो कि नील गाय का था। भैया राम से अरे
चार घंटे की सफारी के बाद फाइनली हम अपने होटल की ओर वापस चल दिए। रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद एंजॉय किया। फाइनली सफारी से थकने के बाद एक बहुत बढ़िया सा हमने डिनर किया खूब पेट भर के। नाइट में बॉनफायर वगैरह करके लगभग 1 बजे के आसपास हम सब सो गए अपने अपने रूम्स में। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा, सनराइज व्यू इंजॉय किया, पानी पिया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया और आज हमें निकलना था हमारे लास्ट डेस्टिनेशन गिरजिया टेम्पल। होटल से चेकआउट करके हम निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं गिरजिया टेम्पल। टेम्पल पहुंचने के बाद खूब इंजॉय करा, जो नहाना चाहता था वो रिवर में नहाया भी, वीडियोग्राफी भी की, फोटोग्राफी भी की। 3 से 4 घंटे स्पेंड करने के बाद हम अपने घर की तरफ वापस चल दिए। Very much.